इनसे बोलूं या ना बोलूं, बोल के देखती हूँ। सुनो जी, वो ना वो पड़ोस की शकुंतला है ना, कल अपने लिए ना गले का नेकलेस लेके आई थी, मुझे भी चाहिए अपने लिए हार। काजल, तुम्हें बताइए पिछले महीने कितने खर्च हो गए, अभी ध्रुव त्यागी के भी पैसे देने हैं, सतीश खबरी को भी पैसे देने हैं, क्या करूं? इस महीने पहले ही इतना खर्चा हो गया है, पर अगले महीने मैं पक्का दिला दूंगा। पक्का? हाँ। ठीक है, तुम टिफिन तैयार करो और मैं ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा हूँ। ठीक है, मैं लेके आ रही हूँ। ठीक है। काजल, काजल खाना ले आओ। आज क्या सब्जी नहीं बनाई? आज वो घर में पैसे नहीं थे ना, इसलिए मैंने रोटी बना दी। बैठ जाओ ना। वैसे मिर्च में भी कितना स्वाद लगता है ना। ले तू भी खा ले। सुनो जी, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। बोलो। कल आप छुट्टी कर सकते हो? क्यों? मेरा ना फिल्म देखने का बहुत मन कर रहा है, वो ना बहुत अच्छी फिल्म लगी है, पड़ोस की सरला है ना, वो जा रहे हैं सब लोग। काजल, किसी की होड़ नहीं किया करते, तुझे पता है एक छुट्टी के 500 रुपए लगते हैं, और फिर टिकट 200 रुपए की है, और खाना पीना पूरे 1000 रुपए लग जाएंगे, और तुझे पता है 1000 रुपए में कितना खर्चा चलता है। एक काम करते हैं, कल नहीं हम परसों चलते हैं, कल मैं तुम्हें पहले मंदिर घुमा के ले आऊंगा, और परसों संडे की छुट्टी है, जब चलना। ठीक है? ठीक है जी, और कुछ लाऊं? आओ, आराम से आना। ओ सॉरी। ऐसे रही है जैसे कि खा जाएगी, आजकल की लड़कियों में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अरे ये तो पीछे पड़ गई। चलो यहाँ से, जल्दी चलो जी। अरे तू, तू यहाँ तक भी आ गई? तुम इतने बुरे घर में रहती हो?
छी, कितना गंदा है। अरे मैं कैसे रह रही हूँ, कहाँ रह रही हूँ, तुझे क्या मतलब? तुम रह कैसे लेती हो? अरे जान न पहचान, तू मेरी मेहमान, तू आके बैठ भी गई। मेरा तो दम घुटता है ऐसे घर में रहे। और तेरा यहाँ दम घुट रहा है ना, चल यहाँ से निकल। शांत काजल, शांत। अरे तू तो मेरा नाम भी जानती है। मैं तो ये भी जानती हूँ तुम यहाँ पर घुट घुट कर जी रही हो। तेरी कोई भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तू चाहती तो बहुत कुछ है पर तुझे मिला नहीं। अगर तू चाहे तो तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। वो कैसे? अगर तू अपने पति को, मतलब अगर तू अपने पति को, पति मुझे दे दे। तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? ये कोई शोरूम में रखा हुआ गुड्डा है क्या जो तुझे उठा के दे दूं? देख ले काजल, तेरी इच्छा है। मैं तेरे पति के बदले तुझे इतना पैसा दे दूंगी कि तू सोच भी नहीं सकती। तेरा दिमाग खराब है? मैं पैसों के लिए अपने पति को बेचूंगी? बीस लाख, पचास लाख। एक करोड़। अब सोच, जब तेरे पास एक करोड़ होगा, अच्छा घर होगा, गाड़ी होगी, अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, वो सब कुछ होगा जो तू चाहती है, तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जब तेरा मन हो तो बता देना। मैं तैयार हूँ, मैं अपने पति की शादी तुमसे कराने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी रहूँगी। ठीक है, पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। मुझे मंजूर है। ठीक है, ये रहा एडवांस, बाकी एग्रीमेंट के बाद। ठीक है, मैं कल मिलूँगी। ठीक है ठीक है ठीक है। एक बात बोलूं? हाँ बोलो, क्या हो गया? क्या आप नहीं चाहते हमारे पास सब कुछ हो? हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छी लाइफ स्टाइल हो, गाड़ी हो, ऐसो आराम हो, अच्छे कपड़े हो। चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं मेहनत कर तो रहा हूँ, एक दिन हमारे पास सब कुछ होगा। तुम चिंता मत करो, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना। मेरे पास ना एक आइडिया है। बताओ। तुम एक अमीर लड़की से शादी कर लो। तू पागल हो गई काजल, तुझे कैसे समझाऊं? तुझे पता नहीं है तू क्या कह रही है? और मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं, मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। सुनो ना प्लीज, मेरी बात सुन लो। तूने कैसे सोच लिया कि मैं किसी से ऐसे शादी कर लूंगा? छोड़ने के लिए मैं तुमसे अलग थोड़ा हो रही हूँ। काजल तुम नहीं समझती, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड्डे का खेल नहीं होता, ये जन्म जन्म का बंधन होता है। तूने सोच कैसे ली? अरे वो हमारे साथ ही रहेगी। काजल तुम्हें नहीं पता, बस मैं तुम्हें क्या समझाऊं, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। सुन लिया तुमने? क्या फर्क पड़ता है जी, हम तो तीनों साथ रहेंगे। क्या हो गया है तुम्हें? और मेरे से शादी करेगी कौन? कौन है वो मेरी लड़की? वो जो मंदिर में मिली थी, आपको देख रही थी। वो जो मुझे घूर घूर के देख रही थी। हाँ, तुम समझा करो, और मैंने उससे शर्त रख ली है, वो मेरे साथ ही रहेगी। वो ना आपसे बहुत प्यार करती है। पर मैं तो नहीं करता ना, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। वो सिर्फ तुम्हारा प्यार पाना चाहती है, और हम तीनों साथ में रहेंगे। अगर तुमने ये शादी नहीं की ना तो मैं मर जाऊंगी। कैसे समझाऊं काजल, तेरे को क्या हो गया? तेरे लिए मैं हर चीज करता आया हूं,
ये भी करूंगा। कर ले बात उससे, कर ले अपनी मनमानी। यस यस। जब मेरे पास पैसे आएंगे ना, तो मैं बंगला लूंगी, गाड़ी लूंगी, अच्छे अच्छे कपड़े लूंगी, घूमने जाऊंगी। काजल, अरे मां तुम आओ बैठो। कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? काजल, मैं ये क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही हो माँ? तू राज की दूसरी शादी करवा रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? तेरा दिमाग तो ठीक है या ना? कोई भी पत्नी अपने पति की दूसरी शादी करवावे? ये मॉडर्न जमाना है, और दूसरी शादी हो भी जाएगी तो इसमें दिक्कत क्या है? जब मुझे दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है? तेरी शादी इसलिए करवाई ही कि तू अपने ही सुख चैन में आग लगा ले। माँ तुम्हें नहीं पता, राज की दूसरी शादी करने के बदले में ना इतना सारा पैसा मिलेगा, और मैं ना पूरी जिंदगी ऐसे काटूंगी। और तुम्हें पता है, देखियो ये घर भी है ना, पूरा चू जाता है और सही से फर्श भी नहीं है। तो नया घर होगा, नई चीज होगी, नया बेड होगा। तुम भी आ जाना, साथ में तुम भी रहना। पैसों को देख रही है? तुझे यानी दिखाई दे रहा कि तेरा पति तेरे से दूर चला जाओगा? मत तुम्हें पता है मैं ना छोटी छोटी चीजों के लिए तरसी हूँ। मैंने पिक्चर के लिए बोला, वो भी उसके बस की दिखाने की नहीं है। मैंने एक छोटा सा नेकलेस लाने के लिए कहा, वो भी वो लेके नहीं आए। और पैसा माँ, पैसे में ना सब कुछ होता है, पैसों से हर चीज खरीद सकते हैं, और पैसा ही सब कुछ होता है। पैसा बहुत कुछ होता है मगर सब कुछ नहीं। प्यार बेचा या खरीदा नहीं जाता, तेरे दिमाग में ना आ रही हूँ बात? माँ तुम भी समझा करो। रही बात आने की, मैं जैसी भी हूँ अपने घर में खुश हूँ और अपने पति के साथ खुश हूँ। मैं तेरी तरह बेवकूफ ना हूँ कि जल्दी पति को बेचना। माँ मैं ये घुटघुट की जिंदगी नहीं जीना चाहती, गरीबों की तरह। मैं दूसरों को कोई चीज लाते हुए देख तो मैं हर चीजों के लिए तरसती हूँ। ठीक है जैसी तेरी मर्जी, पर तू एक दिन पछतावेगी। और मेरा तो फर्ज समझाने का फर्ज है, आगे तेरी मर्जी। ना मान रही ना तू मेरी बात? अब जैसे तेरी इच्छा वैसा कर। अगर तू बाद में पछताई ना तो मेरे पास मत आ जी फिर। ठीक है माँ, नहीं आऊंगी। जब मेरे पास पैसा आ जाएगा ना तो तुम खुद ही आओगी मेरे पास चल के। हर चीज बेटा पैसे से नहीं खरीदी जाती, ये तेरे दिमाग में बात नहीं आ रही। जा रही मैं तो, आज के बाद तेरे दहली पर कदम ना धरूंगी। सारे पैसे मेरे हैं, जिन जिन चीजों के लिए तरसी हूँ ना मैं, वो सारी चीजें खरीदूंगी मैं। अरे अरे, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? क्यों, क्या हो गया? आज से तुम्हारा कमरा यहाँ नहीं वहाँ है, आज से तुम उसके पास सोओगे। काजल, और मैं अपने पैसों के साथ। आज ना मैं उन्हें ये कोट पहनाऊंगी, देखते ही खुश हो जाएंगे। जब इतना महंगा कोट पहनेंगे ना, वैसे ही खुश हो जाएंगे। सबसे महंगी दुकान से खरीद के लाई हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कब निकलेंगे। अरे सुनो, देखो मैं तुम्हारे लिए कोट लेके आई हूँ, पूरे 10,000 का है। काजल, इसे पहनने की मेरी हैसियत नहीं है, मैं ये कोट नहीं पहन सकता।
सुनो। हाँ जी, क्या हो गया? आपका ध्यान कहाँ रहता है आजकल? आप कहाँ रहते हो? आपका ध्यान नहीं है एक बटन लगाने के लिए? वो मैं भूल गया था। हाँ हाँ, तुम भूल गए बे। अच्छा सुनो, आप शाम में जल्दी आ जाना, ठीक है? ओके बाय, मैं आपका वेट करूंगी। अरे दी, आप काजल, आप आ गए? अरे आपसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है, अंदर चलो ना। चलो ना जी, अंदर चलो, चलो आओ। अपना चेहरा इधर करो, लाओ मैं साफ कर देती हूँ। बहुत परेशान रहते हो। इतना ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है जब तक मैं हूँ, समझे जी? ये मैंने क्या किया? माँ ने कितना समझाया था, पैसों से कभी प्यार नहीं मिलता, और मैं पैसों के आगे इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने अपने पति को ही बेच दिया। अब मैं क्या करूं? ये ऐसा आराम किस काम का? कि मेरा पति मेरे पास ना हो। अब मैं एक काम करती हूँ, कल पायल को सारे पैसे लौटा के, ये घर लौटा के मैं अपना पति वापस ले लूंगी। अरे काजल तू, अरे माँ आ जा। क्यों रो रही है? माँ मुझे अपना पति पति चाहिए। तेरा पति? तेरा पति कहाँ से आ गया? माँ राज चाहिए मुझे। राज तो उसका उसका पति। अब तेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है। जी मर्जी कहीं भी जा, कहीं भी घूम, कुछ भी कर, अब क्यों आंसू बहा रही है? पति ही सब कुछ होता है, ये पैसे कुछ नहीं होते। इतना समझाया तेरे को कि पति ऐसी चीज हो है, ये बाटा नहीं जाता, फिर भी तेरे दिमाग में एक बात नहीं है कि माँ क्या समझा रही है? जब तक तेरे पे पैसों का भूत चढ़ रहा। माँ अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये घर, मुझे सिर्फ अपना पति चाहिए। अब मैं कहाँ से तुझे पति दिवा दूँ? तूने तो ऐसा काम करा, इतना नीच काम करा कि तूने जीते जागते पति को मार दिया। मेरा पति मुझसे दूर जा रहा है माँ। इसे क्यों लाद दो फिर ये? फिर तूने इसकी कीमत जानी है? क्या है इसकी कीमत? माँ तुम भी सजावट के लिए गले में पैरों फिर रही है, इसे फेंक दे तार के। माँ तुम तो ऐसा मत बोलो। समझाया था ना तुझे, अब कुछ ना हो रोने से और ये सब सोचने से। देख काजल, मैं तो भगवान से दुआई कर सकती हूँ कि तेरा घर फिर के सब बस जा, क्योंकि तू ना हरा भरा घर तू ना खुद नहीं उजाड़ा। माँ हम मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी बंगला, मुझे बस मेरा पति चाहिए। उठो ऊपर को, औरत क्या नहीं कर सकती, औरत सब कुछ कर सकती है। अरे जो उसे पसंद है तू वो करना उसके साथ, टाइम से उठो उसे खाना नाश्ता उसके साथ उठ बैठ, जो वो करती है उससे पहले तू कर, वो तेरी ओर को खींचेगा। ठीक है माँ, जैसे तू कह रही है मैं वैसे ही करूंगी। ए भगवान, मेरी बेटी का उजड़ा हुआ घर बसा दे। आई ईसा कल पर देर से आई, इसका दुख मेरे पे बिना देखा जा रहा। बाबूजी एक मिनट रुकिए। काजल दी,
अच्छा मैं जा रही हूँ, अब मैं लौट के कभी वापस नहीं आऊंगी। और राज? राज भी अभी जाएंगे। राज प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। प्लीज राज तुम मुझे माफ कर दो। पायल, पायल तुम मेरे पति को वापस कर दो। तू सब कुछ ले ले, ये गाड़ी बंगला सब कुछ ले ले। खड़ी हो जाओ, उठो दी। तुम कितनी बदनसीब हो ना, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें इतना अच्छा पति मिला, उसके प्यार की तुमने कदर नहीं की। चंद कागज के टुकड़ों के लिए तुमने अपने पति को भेज दिया। और काजल, तुम जैसी बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं मानती हूँ पायल, मुझसे गलती हुई है, मैं ये भी जानती हूँ इस गलती की कोई माफी नहीं है। पायल मुझे माफ कर दे, तू सब कुछ ले ले, गाड़ी ले ले, सब कुछ ले ले, पर मेरा पति वापस दे दे। पायल बेटा देर हो रही है, चलो। पायल प्लीज मेरा पति मुझे लौटा दे। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। प्लीज पायल। काजल बस बहुत हो गया, सॉरी दी, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा दी चलती हूँ। चलो पायल। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ क्यों दीदी? इधर आओ दी। आप दोनों मिलकर रहो और खुश रहो। और दी, राज आपके थे और आपके ही रहेंगे। मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रही थी, प्यार पैसों से नहीं मिलता, प्यार दिल से होता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है। अगर तुम दूसरों की हिरस करोगी वहाँ प्यार नहीं दरारें पड़ेंगी। और दी, आज से ये घर, ये पैसा सब आपका है। पायल तुम भी मत जाओ, हम साथ में मिलके रहते हैं। नहीं दी, मुझे जाना ही पड़ेगा दीदी। चलो पापा। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तेरी जगह तो मेरे हमेशा दिल में थी, और तूने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं तेरे से अलग हो जाऊंगा? मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ।